भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि वो संविधान की धज्जियां उड़ाते रहेंगे, वो संविधान की हत्या करते रहेंगे और हम सब बैठ के देखते रहेंगे। मैं आज एलजी साहब को कहना चाहती हूँ, मुझे पता है वो लाइव देख रहे हैं, मैं एलजी साहब को ये कहना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी का एक एक विधायक, एक एक पार्षद, एक एक कार्यकर्ता अपनी जान दे देगा, लेकिन संविधान की हत्या नहीं होने देगा। मैं एलजी साहब से ये कहना चाहती हूँ कि संविधान का सम्मान कीजिए, लोकतंत्र का सम्मान कीजिए। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को एमसीडी में चुन के भेजा है, आप चोर दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने की कोशिश मत करिए। और अगर आप में कोई ईमान धर्म है तो आज आप ये स्टेटमेंट दीजिए। एलजी साहब तो दिन रात प्रेस को स्टेटमेंट देते रहते हैं, आज एलजी साहब और आज एमसीडी कमिश्नर एक स्टेटमेंट दें, एक बयान दें और लिखित रूप से दें कि जब भी मेयर का चुनाव होगा तो नॉमिनेटेड मेंबर उसमें वोट नहीं डालेंगे। और जब तक वो ये बयान नहीं देते हैं तो मैं एलजी साहब को ये कहना चाहती हूँ, मैं उनको ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि हम सड़क से लेकर संसद तक ये संविधान की रक्षा का संघर्ष जारी रखेंगे। ये एलजी साहब मैं आपको बताना चाहती हूँ।